और हमारा जो प्रॉफिट है वो 3000 रुपए से ऊपर हो गया, 109, 112 पे हमारा टारगेट है, 109 रुपीज प्राइस चल रही है, 109 रुपीज, 110, 112 और हमारा फिर से टारगेट अचीव हो गया है। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने आपको स्कैल्पिंग की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई थी जिसमें हमने आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाकर भी दिखाया था, लेकिन एक ट्रेड में प्रॉफिट तो तुक्के से भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको अपनी उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर 6 लाइव ट्रेड लेकर बताएंगे कि वो स्ट्रेटजी सही में काम करती है या फिर नहीं। वैसे आपको बता दूं कि हमारी ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट की 6th वीडियो है। ये कंसेप्ट मार्च 2023 में पहली बार YouTube में हम ही लेकर आए थे। हमारे बाद तो बहुत लोगों ने इसे कॉपी कर लिया है, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। तो अगर आप हमारी ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट की सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब अपना पहला ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन लाइन है यानी हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है, और इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर है वो 20 के पास है, और यहाँ पर हमारी जो ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है। तो अब मैं यहाँ पे अपना ट्रेड ले लूंगा। तो मैं बैंक निफ्टी का 44,000 का कॉल बाय कर रहा हूँ और इसके मैं 8 लॉट बाय कर रहा हूँ, जिसपे मैं 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 10 रुपए का ही टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हमें इसमें 272 रुपीज का लॉस हो रहा है, 500 रुपीज का लॉस हो रहा है, 282 रुपीज का लॉस हो रहा है, 500 रुपीज का लॉस हो रहा है, 700 रुपीज का लॉस हो रहा है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 99 रुपीज पर है और अभी प्राइस 107 रुपीज के आसपास चल रही है। हमारा टारगेट 119 रुपीज का है, स्टॉप लॉस 99 रुपीज पे है और प्राइस 105 रुपीज के आसपास चल रही है। 110 अब हमें 78 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 138 का प्रॉफिट हो रहा है, 312 रुपीज का लॉस चल रहा है, 382 रुपीज का भी हमें लॉस चल रहा है। 109 रुपीज एंड 66 पैसे पे हमने बाय किया है, अभी प्राइस 108 रुपीज के आसपास चल रही है। हम 10% का स्टॉप लॉस और 10% का ही टारगेट लेके चल रहे हैं। प्राइस अभी बढ़कर 111 रुपीज पे चली गई है और हमें 5870 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस अभी गिरकर 108 रुपीज पे आई है और हमें थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है, अभी वापस हमें प्रॉफिट होने लगा है। दोस्तों अभी प्राइस बढ़कर 114 रुपीज पे चली गई है और हमें लगभग 900 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब प्राइस गिरकर 112 रुपीज पे आई है और हमें 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 110 दोस्तों अभी प्राइस बढ़कर 117 रुपीज पे चली गई है, 119 रुपीज पे हमारा टारगेट है, हमें 1400 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 116 115 116 रुपीज 120 और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और दोस्तों प्राइस 119 रुपीज से भी ऊपर चली गई है और हमें इस ट्रेड में 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। चलिए दोस्तों अपना सेकंड ट्रेड लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ग्रीन लाइन है वो हमारी रेड लाइन के ऊपर है, यानी हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो हमारे 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो हमारी ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है और इस टाइम पर हमारा जो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर है वो 20 के आसपास है, और मैं फिर से 44,400 का कॉल बाय कर रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमने सेम यही वाला ऑप्शन बाय किया था, तो इसलिए जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको यहीं पर अपडेट होता हुआ दिखेगा। इससे पहले वाले ट्रेड में आपको पता है कि हमें एग्जैक्टली 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 2000 रुपए से ऊपर बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपए से कम होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें लॉस हो रहा है। 92 रुपीज पे हमारा स्टॉप लॉस है और 112 रुपीज पे हमारा टारगेट, और आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरकर 95 रुपीज पे आ चुकी है। 92 रुपीज पे हमारा स्टॉप लॉस है, 95 रुपीज प्राइस चल रही है, 95 94 96 97, हमारा जो 2000 का प्रॉफिट था वो घटकर भी 1200 रुपए पे आ चुका है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम लॉस में चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 106 रुपीज का बाय आपको दिखाई दे रहा है ये एवरेज बाय प्राइस है। ये वाला जो ट्रेड है ये हमने किस प्राइस पे बाय किया है वो आपको हमारी ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 102 रुपीज एंड 58 पैसे की प्राइस में बाय किया है। प्राइस अभी 100 रुपीज चल रही है इसलिए हमें लॉस हो रहा है। अगर प्राइस 102 रुपीज से ज्यादा जाएगी और हमारा प्रॉफिट 2000 रुपए से ऊपर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। फिलहाल इस ट्रेड में अभी हमें लॉस हो रहा है। प्राइस गिरकर अभी 98 रुपीज पे आ गई और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी घटकर अभी 1100 रुपए पर आ चुका है। अभी प्राइस गिरकर 96 रुपीज पे आ गई और हमारा जो प्रॉफिट है वो घटकर 800 रुपीज पे आ चुका है। प्राइस अभी घटकर 98 रुपीज पे आ रखी है। देखिए प्राइस अभी 103 रुपीज पे चली गई है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 2000 से ऊपर चला गया है। इसका मतलब है इस ट्रेड में हम प्रॉफिट में आने लगे हैं। प्राइस बढ़कर 104 रुपीज पे चली गई है, 105 रुपीज पे, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 2600 हो गया है। 105 रुपीज 112 पे हमारा टारगेट है,
दोस्तों जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेडिंग के लिए एंजल वन का यूज करता हूं। एंजल वन में ना एक ऑप्शंस का फीचर है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के जितने भी आईटीएम, एटीएम और ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सच बताऊं इससे बहुत टाइम बचता है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा या अप स्टॉक्स में भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों प्राइस बढ़कर 107 रुपीस पे चली गई है अभी और हमारा जो प्रॉफिट है वो 3000 रुपए से ऊपर हो गया। 109, 112 पे हमारा टारगेट है। 109 रुपीस प्राइस चल रही है, 109 रुपीस, 110, 112 और हमारा फिर से टारगेट अचीव हो गया है और हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 4000 रुपए का हो चुका है। दोस्तों अभी हम बहुत देर से ट्रेड लेने का वेट कर रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो साइडवेज चल रहा है और क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है तो इस वजह से आप देखें कि हमें अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला है कि हम ट्रेड ले सकें। चलिए दोस्तों अब अपना थर्ड ट्रेड लेते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है और इसके साथ ही हमारी जो ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है और हमारा स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर 20 के आसपास है। तो वापस से हम कॉल बाय कर रहे हैं और इस बार भी हम ATM बाय कर रहे हैं जो कि 44,400 का है। तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑर्डर है वो 109 रुपीज एंड 81 पैसे की प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 99 रुपीज एंड 80 पैसे का है और जो हमारा टारगेट है वो 119 रुपीज एंड 85 पैसे का है और प्राइस अभी 110 रुपीज चल रही है। अब क्योंकि इस ट्रेड से पहले हमें 4000 रुपए का प्रॉफिट था तो अगर हमारा प्रॉफिट 4000 से कम हो रहा है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें लॉस हो रहा है और अगर 4000 से ऊपर जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल अभी लॉस हो रहा है हमें हमारा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 3900 के आसपास आ गया है। दोस्तों प्राइस बढ़कर 112 रुपीस पे चली गई और हमारा प्रॉफिट 4600 हो गया है। 111 रुपीस पे प्राइस चल रही है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 4500 का चल रहा है। 4600 का प्रॉफिट हो गया है। 112 रुपीस पे प्राइस चल रही है। 112 अभी प्राइस घटकर 108 रुपीज़, 109 के आसपास आई है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 4000 से घटा है। इसका मतलब अभी हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस में हैं, अब वापस प्रॉफिट में आ गए हैं। दोस्तों प्राइस बढ़कर 114 रुपीज़ पे चली गई है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 4700 रुपीज़ पे पहुंच गया है। 4800 रुपीज़ पे अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। दोस्तों अभी प्राइस घटकर 106 रुपीज़ पे आ गई है, 104 रुपीज़ पे आ गई है और 99 रुपीज़ पे हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा जो प्रॉफिट पहले 4000 का था वो भी घटकर अभी 3200 रुपीज़ का हो चुका है। यानी इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें 800 रुपए के आसपास का भी लॉस चल रहा है। अभी प्राइस घटकर 103 रुपीस पे आ चुकी है, 102 रुपीस पे प्राइस आ गई है, 99 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 101, 102, 99 और दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इस ट्रेड में हमें 2000 रुपए का लॉस हुआ है। इस ट्रेड से पहले हमें 4000 का प्रॉफिट था लेकिन इस ट्रेड के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो घटकर 1998 रुपीस का रह गया है। चलिए दोस्तों अब अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वापस से हमारी जो सारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो हम फिर से 44,400 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो क्योंकि इस बार प्राइस गिर के बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है इसलिए इस बार हम 12 लॉट बाय कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपये का होगा और जो हमारा टारगेट है वो भी 10 रुपये का ही होगा। ये जो हमारा ऑर्डर है ये 75 रुपीज़ एंड 90 पैसे की प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 65 रुपीज़ एंड 90 पैसे का है और हमारा टारगेट 85 रुपीज़ एंड 90 पैसे का है। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़कर 78 रुपीज़ पे चली गई है, 79। तो दोस्तों प्राइस अभी 78 रुपीज़ चल रही है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 2900 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। इस ट्रेड से पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो घटकर 1998 रुपीज़ पे आ गया था लेकिन इस ट्रेड को लेते ही हमारा प्रॉफिट 3400 रुपीज़ पे हमारा टारगेट है, आपको पता है। 79 रुपीज़ अभी प्राइस चल रही है, अभी प्राइस 79 रुपीज एंड 65 पैसे चल रही है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 2900 रुपीज के आसपास चल रहा है। 3000 रुपीज का भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। दोस्तों अभी वापस से प्राइस गिरकर 76-75 रुपीज के आसपास आ गई है, 74 रुपीज पे प्राइस आ गई है और हमें इस ट्रेड में भी लॉस होने लगा है। 73-72 रुपीज पे प्राइस चल रही है, 71 रुपीज पे प्राइस आ गई है, 65 रुपीज पे हमारा स्टॉप लॉस है। 72 दोस्तों अभी प्राइस गिरकर 72 रुपीज़ पे आ गई है, 65 रुपीज़ पे हमारा स्टॉप लॉस है। दोस्तों प्राइस गिरकर 68-69 रुपीज़ पे आ गई है और पहली बार हम लॉस में आने लगे हैं। 69 रुपीज़ पे प्राइस चल रही है, 68 रुपीज़ पे प्राइस चल रही है, 65 पे हमारा स्टॉप लॉस है। 67 रुपीज़ पे प्राइस चल रही है, 66 और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और 4000 रुपये का प्रॉफिट देखने के बाद अब हम 981 रुपीज़ के लॉस में आ गए हैं।
चलिए दोस्तों अब अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो ऐसे केसेस में हमने आपको बताया है कि आपको सिर्फ पुट बाय करना होता है। तो अब हम पुट बाय करेंगे और हमें पुट कब बाय करना है ये भी हमने आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में बताया था कि जब भी जो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर वो 80 के पास चला जाता है और वहां पे जाने के बाद जो हमारी ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटती है तब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो अब हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ये जो पुट ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं ये 44,300 का पुट ऑप्शन है। तो दोस्तों हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 91.75 रुपीज की प्राइस में बाई किया है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 81 रुपीज का है और जो हमारा टारगेट है वो 101.75 रुपीज का है। हमें अभी इस ट्रेड में 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस 92 रुपीज चल रही है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 81 रुपीज पे है। प्राइस अभी 90 रुपीज पे चल रही है। दोस्तों प्राइस बढ़कर 95 रुपीज पे आ गई है। 95 प्राइस अभी वापस से गिरने लगी है और 88 रुपीज पे आ गई है और हमें 600 रुपीज के आसपास लॉस नजर आ रहा है। 400 रुपीज 90 रुपीज पे प्राइस चल रही है। 91.75 रुपीज पे हमने ट्रेड को लिया है। दोस्तों अभी प्राइस बढ़कर 92 रुपीज पे चल रही है और हमें 112 रुपीज का प्रॉफिट नजर आ रहा है। अभी प्राइस बढ़कर 95 रुपीज पे चल रही है। 96 रुपीज 98 101 पे हमारा टारगेट है। 98 रुपीज पे प्राइस पहुंच गई है। हमें 1600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 99 रुपीज 101 पे हमारा टारगेट है। 97 रुपीज पे अभी प्राइस चल रही है। 99 रुपीज पे प्राइस चल रही है अभी 101 पे और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। और इस ट्रेड में हमें 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और हम वापस से प्रॉफिट में आ गए हैं। चलिए दोस्तों अब अपना लास्ट ट्रेड लेते हैं। तो आप फिर से देख सकते हैं कि हमारी पुट की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो हम वापस से 44,300 का ही पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 90.85 रुपीज की प्राइस में बाई किया है। हमारा जो टारगेट है वो 100.85 रुपीज का है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 80.85 रुपीज का है। अभी प्राइस 94 रुपीज चल रही है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 3000 रुपीज के आसपास चल रहा है। 95-96 रुपीज प्राइस चल रही है। 100 रुपीज पर हमारा टारगेट है। 97-96-97 रुपीज 96-95-95 रुपीज प्राइस चल रही है। 96 रुपीज प्राइस चल रही है अभी और हमारा प्रॉफिट जो है वो 3600 रुपीज का चल रहा है। 95-96 प्राइस अभी 96 रुपीज 97 पे चली गई है। 97 रुपीज 97-96 100.85 रुपीज पे हमारा टारगेट है। 96 रुपीज पे प्राइस चल रही है अभी। 99.50 रुपीज 100 रुपीज को प्राइस टच कर चुके हैं और ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और इस ट्रेड के बाद हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 4000 रुपीज का हो चुका है। तो दोस्तों 6 ट्रेड लेने के बाद हमें 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है और 2 ट्रेड में लॉस हुआ है। यानी हमारे एक्सपेरिमेंट में इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 66% निकल कर आई है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर ओवरऑल बात करें तो 24,000 रुपए की कैपिटल का यूज करके हमें 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन 2 ट्रेड्स में हमें लॉस हुआ है ना उन दोनों ही ट्रेड्स में शेयर की प्राइस ने मूविंग एवरेज को टच किया था। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि आपको इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर ऐसे टाइम पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब शेयर की प्राइस मूविंग एवरेज को टच और स्पेशली क्रॉस करे। तो वैसे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी, तो ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।